नाम रखा गया था रायगढ़ एनर्जी लिमिटेड, जिसका परिवर्तित नाम है जयसवाल नीको ऊर्जा लिमिटेड। ये एसपीजी कंपनी मिड्रिक्स का इस्तेमाल करेगी और वो पावर जनरेट करके उस मिड्रिक्स को यूटिलाइज करेगी। और इसके लिए हम लोगों ने भारत शासन के मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट पे समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है कि आप हमें इसका परमिशन दें, जो कि आपके प्रावधानों के तहत है, और आप हमको इस मिड्रिक्स को पावर प्लांट में एसपीजी कंपनी द्वारा इस्तेमाल करने की भी स्वीकृति दें, जो कि एक पूर्ण विचार हो चुका है। अभी वो फाइल मंत्री जी के पास है, किसी भी वक्त मुझे परमिशन मिल जाएगी। दूसरा रहा पानी, मुझे ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे 18 एमसीएम पानी चाहिए और मेरे पास 10 एमसीएम पानी का अलॉटमेंट है। मैं आज एक 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट बिना किसी पानी के या कोई पर्यावरण विशेषज्ञ आकर के इस बात को बोलेंगे उसके बेसिस पे नहीं लगा रहा। मुझे ये पता है कि मुझे पानी का इंतजाम करना कैसे है, और इसके लिए मैंने जो 480 एकड़ जमीन लेने की बात कही है उसमें 125 एकड़ जमीन के ऊपर में हमारा एक रिजर्वायर क्रिएट होगा। उस रिजर्वायर में 4 से 4.5 एमसीएम पानी की होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी। और हम ने ये अपना दर्शाया है मिनिस्ट्री को कि जो रेन वाटर है जो फ्लो होकर के इस एरिया से निकल जाता है, हम इस रेन वाटर को होल्ड करेंगे और इस रेन वाटर को अपने जो रिजर्वायर है 125 एकड़ में, जो कि 4 एमसीएम से 4.5 एमसीएम पानी होल्ड कर सकता है, उसमें हम लेके आएंगे। तब तक जब तक ये पूरा बारिश का मौसम रहेगा हम किसी प्रकार से एनिकट से पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी के रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। जब ये 4 महीना बरसात का गुजर जाएगा मेरे पास मेरे रिजर्वायर में रेन वाटर हार्वेस्टेड द्वारा 4 एमसीएम का पानी होल्ड रहेगा, तो वो 4 एमसीएम और उसके बाद जो 10 एमसीएम मुझे पानी मिला हुआ है, इन सब को हम लोगों ने पूरा स्टडी करा करके देखा है कि हम यदि एडिशनल अलॉटमेंट नहीं भी लेते हैं। आज हमने आवेदन जरूर किया है शासन के पास कि हमें आप 8 एमसीएम पानी और दें, यदि हमें नहीं भी मिलता है तो भी हम खुद सक्षम रहेंगे अपने पानी की व्यवस्था करने। और ये मोस्टली थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जिसके लिए 125 एकड़ के ऊपर में 150 करोड़ रुपए की लागत से एक रिजर्वायर बनाई जा रही है। इस रिजर्वायर को बनाने से जो गांव में आज पानी की असुविधा है या वाटर लेवल रिड्यूस हो गया है या वाटर लेवल बहुत बुरी तरीके से डिक्लेयर हुआ है, ये वाटर लेवल भी पूर्ण रूपे न एकदम जो ओरिजिनल था उस लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो पानी है 4.5 इसलिए गाँव के लिए गाँव के वाटर लेवल को भी इंक्रीज करने के लिए सदस्य है। तो ये पानी और कोयले रिलेटेड मुद्दे हैं। रही बात जहाँ तक नौकरी की बातचीत है, मैं अपने शुरुआती भाषण में भी शुरुआती आवेदन में भी या शुरुआती प्रतिवेदन में भी ये कह चुका हूँ कि नौकरी देना ये हमारी भी जरूरत है, हमें गांव की जरूरत है, गांव के लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम गांव जो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है उसके लिए हम बाहर से आदमी नहीं ला सकते, हमें लेना गाँव से ही है। और हमने गाँव वालों को कहा कि आप जो जमीन दे रहे हैं इसके एवज में आपकी नौकरी तो बिल्कुल तय रही, और जो लोग जमीन नहीं दे रहे हैं, जिनकी जमीन नहीं आ रही है मेरे प्लांट में, उन लोगों को भी मैं दूसरी प्राथमिकता में फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं लैंड यूजर को दूंगा, उसके बाद जो जगह मेरा बच जाएगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं हमीरपुर और जोगरों के लोगों को और इसके अगल बगल जुड़े हुए गाँव के लोगों को दूंगा, और ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी आदमी बाहरी ना आ करके अपने इस पदों को काबिज करे। और इस चीज के लिए जो एक सुझाव आया था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो भी आदमी को हम यहाँ नौकरी देते हैं कहीं हमें जरूरत भी पड़ती है अपर लेवल पे बाहर के लोगों की, उनके चरित्र का प्रमाण पत्र हम जरूर से हासिल करें अपना। आप या तो उनसे खुद करें कि आप पूरा अर्जी दीजिए एसपी साहब के पास, या कंपनी उसकी पूरी डिटेल एसपी साहब को या जो क्षेत्रीय पुलिस थाना है उसमें जमा करा करके उसके पूरे चरित्र का विवरण उन लोगों से सत्यापित करा के ले और उनसे जांच करवा के ले, ताकि ये भी सुनिश्चित हो सके कि किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इस गांव में हमारे आने से नहीं होगी। तो ये भी हमारा एक अच्छा हमारे पास सुझाव आया, इस सुझाव पर हम जरूर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे इसको अमल करें कि जो भी हम बाहर के लोगों को लेते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा के। आदरणीय जी, इसके अलावा और कोई आपका सवाल रहे क्या? ठीक है, आपने जो ट्राइबल जमीन और लैंड एक्विजिशन के बारे में भी दोस्तों को बता दीजिए कि आपकी क्या नीति है। ट्राइबल के लिए मैंने आपको अभी बताया कि ट्राइबल की जमीन का जो नियम है वो ये है
कि ग्राम सभा करके जब ग्राम सभा से वो पारित हो जाए तभी हम ट्राइबल जमीन का परचेज कर सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं। अब उस पूरे कानून का पालन करते हुए ही इस चीज को करेंगे। तो यहाँ तक वैल्यूएशन की बात है ना, जमीन के ऐसा प्रावधान है लॉ में, लैंड रेवेन्यू में, कि जो गांव की जनसंख्या 1500 से कम है उस गांव में यदि उद्योग की स्थापना करनी पड़ती है या उस जगह में ट्राइबल लैंड भी, ट्राइबल एरिया भी घोषित हुआ रहता है, वहां कन्वर्शन की जरूरत नहीं है। यदि ये कानून लॉ एक कानून है तो हम इस कानून का पालन करें और जरूरत होगा तो जरूर कन्वर्शन कराएंगे और कन्वर्शन करा करके इसका इस्तेमाल करेंगे। डिस्पोजल ऑफ फ्लाईएस, फ्लाईएस डिस्पोजल के ऊपर सर हमारा ये कहना है कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर हमारी माइंस है, हमें वहाँ 3 मिलियन मेट्रिक टन की माइनिंग करनी है और उसका स्ट्रिप रेशियो जो है वो 1:6 का है, मतलब 1 टन कोयला निकालने के लिए 6 टन भट्टी निकालनी पड़ती है। 3 मिलियन टन की जो मैं माइनिंग करूंगा तो उसके एवज में जो मेरे यहाँ से फ्लाईएस जनरेट होगा 3 मिलियन टन के अप्रोक्सीमेट कोल बर्न करने से 22 से 28% ऐश जनरेट होगा जो कि करीब करीब 1 लाख टन है, तो 1 मिलियन टन है। ये 1 मिलियन टन वापस मेरे उसी माइंस के अंदर जा करके उसकी रिफिलिंग हो जाएगी जिससे कि किसी प्रकार का कोई पर्यावरण असंतुलन या धूल धुएं की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बाकी जो पर्यावरण संबंधी स्पेसिफिक बातचीत है वायु डॉक्टर मैत्रा वायु विज्ञान आदि प्रदूषण के संबंध में जो उसकी तकनीकी है उसके संबंध में आपके तकनीकी विशेषज्ञ बनाएंगे, तकनीकी विशेषज्ञ बनाएंगे। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले एक प्रश्न आया था, ये प्रश्न था कि 600 मेगावाट प्लांट को 480 एकड़ में लगा सकते हैं जी। भारत सरकार का जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इसने डिटेल्ड गाइडलाइंस दिया है कि किस कॉन्फ़िगरेशन का पावर प्लांट के लिए कितना जमीन की आवश्यकता होती है। और सर लगभग ये पाया जाता है कि 0.6 एकड़ प्रति मेगावाट प्लांट साइज जब बढ़ता जाता है तो ये रेशियो अब घटता जाता है। तो सज्जन ने ये क्वेश्चन किया था कि 100 मेगावाट पावर प्लांट लगाने के लिए लगभग 150 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। तो सर जब हम इसकी क्षमता बढ़ा देते हैं 100 से 600 एकड़ 600 मेगावाट तक बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक लैंड की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है। तो हमने ये जो प्लॉट प्लान है विशेषज्ञ के द्वारा बनाया है और जो कंसल्टेंट हमारे इसको बनाए हैं वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिए हैं कि ये CEA का मानक के अंदर ही हो, जो स्टैंडर्ड हो उसके अंदर ही हो। तो हम इसके अलावा कोई जमीन और इसके आसपास 600 मेगावाट लगाने के लिए नहीं। इसके बाद एक प्रश्न आया था एलिफेंट डिस्टर्बेंस हाथी प्रभावित क्षेत्र। सर हमने अपनी रिपोर्ट में ये दर्शा दिया है कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है लेकिन ये एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है। एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब एलिफेंट का स्थायी तरीके से इस प्रोजेक्ट साइट से आना जाना और इसके लिए हमने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से NOC लेटर भी ले लिया।